Hello friends, welcome to the channel Day to Day Update by Dr. Ankita Singh Chakotia. Today we are going to discuss about the types of calyx. Now what is this calyx? Calyx is the whorl of flower. Flower char whorl se milke banta hai. Gynoecium, androecium, corolla and calyx. Calyx is the outermost one. इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर पिछले अपने जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था. उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है. सो दैट अगर जो लोग नए हैं इस वाले वीडियो के लिए वो वहां जाके देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कैलिक्स? कैलिक्स इज द, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर जो कि मिलके बनता है. किससे? सेपल से मिलके बनता है. जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है पेडिसल. पेडिसल इज द शूट ऑफ फ्लावर. नाउ द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ कैलिक्स इज सेपल्स. Sepals when get fused up to some part and remain and these sepals remain apart from each other at the uppermost part, then this condition or this above part is called as lobes of calyx. So ye bhi ek term hai jo ki calyx se linked rehta hai in some condition, in some cases. सारे उसमें ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिलता, बट हाँ कुछ एक केसेस में ही देखने को मिलता है. तो ये वर्ड भी क्लियर होना चाहिए आपको कि what is lobes of calyx. एक और टर्म जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी नहीं बताया, जल्दी बता देती हूँ. पेरियंथ. पेरियंथ इज द टर्म दैट इज कंबाइंडली यूज फॉर कैलिक्स एंड कोरोला बिकॉज दे आर द आउटर मोस्ट वर्ल्स. एंड्रोशियम गाइनेशियम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है, स्पेशली इन जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म. सो जबकि पेरियंथ जो कि कंबाइंडली हम यूज करें फॉर कोरोला एंड कैलिक्स, ये विद टाइम इधर आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन इन सम केसेस ये शेड ऑफ कर जाते हैं, दे गेट विथर ऑफ, ठीक है. बट एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट और दे डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन. सो दे आर कॉल्ड पेरियंथ. ये टर्म भी मैं छूट गया था पिछले लेक्चर्स में फ्लावर में, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बताना जरूरी समझा. नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ कैलिक्स. फर्स्ट वन इज द गैमोसेपलस. एज वी नो द मीनिंग ऑफ गैमो. गैमो मतलब फ्यूज, फ्यूजन, ठीक है. सो यहाँ पे सेपल्स क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं एंड दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे बिल्कुल जो टिप होता है वो अलग अलग रहता है, बाकी सारा क्या बिल्कुल फ्यूज हो जाता है. ये कंडीशन आपको धतूरा में देखने को मिलेगी. मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पॉलीसेपलस. पॉली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अलग अलग. सेपल्स क्या होंगे? यहाँ पे बिल्कुल अलग होंगे. ये कंडीशन रोज में बहुत प्यार से देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज पेटेलॉइड. पेटेलॉइड इज द कंडीशन व्हेन यू कैन नॉट इजिली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स जो है आपका ग्रीन कलर का नहीं होगा, ग्रीन के अलावा कोई और कलर हो जाएगा, ठीक है, और काफी कुछ मिलता जुलता होगा पेटल्स के कलर से. दैट्स व्हाई यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे कि भाई ये कैलिक्स है या कोरोला का ही पार्ट है. ये कंडीशन आपको गुलमोहर में देखने को मिलेगी. गुलमोहर एक बड़ा ही सुंदर सा फ्लावर होता है जो कि वृक्ष पे आता है, ना कि नॉर्मल प्लांट्स पे, ना होके वृक्ष पे आपको ट्री पे देखने को मिलता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द परसिस्टेंट. परसिस्टेंट जैसे कि नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है कि ये रहता होगा. अब कब तक रहता है वो देख लेते हैं. ये रहता है अप टू द कंडीशन जबकि एक कंप्लीट फ्रूट बन जाए, ठीक है, सिर्फ फ्लावर ब्लूम होने तक नहीं, फर्टिलाइजेशन होने तक नहीं, जब तक ये पूरा फ्लावर बन जाए, फ्रूट बन जाए तब तक नहीं, पूरा डेवलप ही हो जाए ना फ्रूट, तब तक उसका साथ नहीं छोड़ता है कैलिक्स. और आप लोगों ने देखा भी होगा, आप मार्केट से ब्रिंजल लेके आते हैं, कोई सब्जी वगैरह लेके आते हैं, उस ब्रिंजल पे ना ऊपर टोपे की तरह यहाँ पे कैलिक्स लगा रहता है ग्रीन कलर का. भले फ्रूट खराब हो जाएगा वो कैलिक्स नहीं हटेगा. ये कंडीशन कहलाती है परसिस्टेंट कैलिक्स. ब्रिंजल एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज कैडुकस. कैडुकस का में कंडीशन ये है कि वंस फ्लावर गेट ब्लूम कैलिक्स गेट शेड ऑफ. This condition can be seen in poppy. Next is the tubular one. Tubular is the condition when the sepals get fused and they form a tube-like structure. It is quite similar to that of gamosepals. मतलब ये कह सकते हैं कि tubular वाला जो part है ना, इसका ही सब part हम बना सकते हैं. Gamosepals में ही tubular आएगा and it makes a tube-like structure. And this condition again can be seen in datura. Next is the campanulate. Campanulate is the condition when the sepals get fused with each other in such a way that this ultimate structure gives the appearance of a bell-like.
एंड दिस कंडीशन कैन बी सीन इन चाइना रोज गुड़हल में, ठीक है. एंड ये कंडीशन भी गैमोसेपल्स में हमें कह सकते हैं कि इसी के अंडर आती, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है सेपल्स का. नेक्स्ट इज पेपर्स कंडीशन. पेपर्स कैलिक्स कैन बी सीन इन सनफ्लावर. सनफ्लावर जो कि एस्टरेसी फैमिली में आता है. देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि जो कैलिक्स है ना, कैलिक्स अबव ओव्यूल्स है, लाइक क्या ओवरी के ऊपर हो डेवलप हो रहा होगा. क्यों ऐसा कह रही हूं मैं, आप कभी मौका पड़े तो सनफ्लावर उसको फ्लावर को तोड़ के देखिएगा धीरे धीरे, ये नहीं पूरा एकदम तोड़ दें, धीरे धीरे तोड़िएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि पोजिशन क्या है, पेटल्स की पोजिशन क्या है, सेपल्स की पोजिशन क्या है एंड उसमें जो फीमेल पार्ट है उसकी पोजिशन क्या है, ठीक है. तो आपको बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो कैलिक्स है ना कहीं ऊपर ऊपर की तरफ है, नीचे ओवरी है एंड कैलिक्स सेपल्स आर अबव. एंड दिस कंडीशन अगर हम लिंक करें, हमारे पिछले लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ाया था, वहां पे एपिगाइनस कंडीशन एक आई थी जहां पे क्या था, ओवरी नीचे धसी हुई थी थैलेमस के अंदर एंड जो बाकी सारे जितने भी सब यूनिट्स थे आपके कैलिक्स कोरोला एंड्रेशियम, ये सारे क्या थे, ऊपर ऊपर थे. तो ये कंडीशन को हम कह सकते हैं कि यस दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज ड्यू टू एपिगाइनस फ्लावर कंडीशन. सो वंस द सीड गेट मैच्योर या ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुए एंड दीज सेपल्स रिमेन एसोसिएटेड टू दैट सीड एंड फाइनली अब ये ड्राई होने के बाद फेदर की जैसे दिखती है एंड दिस फेदर हेल्प्स द सीड टू गेट डिस्पर्स, है ना, डिस्पर्शन में हेल्प करती है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेपर्स कैलिक्स विच कैन बी सीन इन सनफ्लावर और फैमिली एस्टरेसी. नेक्स्ट इज स्पाइनस कैलिक्स. स्पाइनस कैलिक्स जैसे नाम से पता चल रहा है स्पाइन जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा, तो ऑफकोर्स ये स्पाइन जैसे ही सेपल्स यहाँ पे क्या स्पाइन जैसे बन जाते हैं एंड दैट्स वाई द कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पाइनस एंड दिस कैन बी सीन इन ट्रेपा बाय स्पाइनोसा. ट्रेपा बाय स्पाइनोसा सिंघाड़े को कहते हैं. सिंघाड़ा जो कि किसमें, पानी में उगने वाला, तालाब वगैरह में उगने वाला एक फ्रूट होता है, ठीक है, जो कि हम खाते भी हैं. नेक्स्ट इज हुडेड. हुडेड कैलिक्स में क्या हो रहा होगा, आप लोग जो स्वेट शर्ट जैकेट्स पहनते हैं विंटर्स में उसमें एक हुड लगा रहता है ना सर ढकने के लिए. यहाँ पे सेपल, एक सेपल बाकी सारे नहीं सिर्फ एक, कोई हुड टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट्स व्हाई द कंडीशन इज कॉल्ड एज हुडेड कैलिक्स. दिस कैन बी सीन इन एकोनाइटम. लास्ट इज द डेसिडियस. डेसिडियस जैसे नाम से ही पता चल रहा है यहां भी कैलिक्स क्या हो रहे हैं, शेड ऑफ हो रहे हैं जस्ट लाइक कैडिकस, बट यहां पे सीन थोड़ा डिफरेंट है, इतना अर्ली नहीं. जैसे कैडिकस में तो क्या हो रहा था, वंस फ्लावर गेट ब्लूम शेड ऑफ हो रहा था. डेसिडियस में फर्टिलाइजेशन तक कैलिक्स धीरज रखते हैं, वेट करते हैं कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन होने देते हैं, उसके बाद हम शेड ऑफ होंगे, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैडिकस एंड डेसिडियस एंड डेसिडियस इज द कंडीशन विच कैन बी सीन इन मस्टर्ड. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डायग्राम क्यों नहीं बनाया, तो भाई जब झड़ी जाता है तो फिर मैं क्यों बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, इट्स क्वाइट क्लियर टू यू. तो ठीक है, आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.